लाठी डंडे से पीटा फिर लटकाया फांसी पर। बिहार के गया जिले के परैया थाना अंतर्गत सिकंदरपुर गांव में शनिवार देर रात एक दिल दहला देने वाली वारदात हुई। यहां पटवन कर रहे एक किसान दंपति की हमलावरों ने लाठी डंडों से पिटाई की और घायल किसान को कथित रूप से पेड़ पर फंदे से लटका कर मार डाला। अनुमंडल पुलिस अधिकारी नागेंद्र सिंह ने बताया कि किसान का नाम शिया शरण यादव है और उसकी उम्र 40 साल थी। प्रेमिका ने शादी से किया इनकार तो आरोपी ने पहले की गला रेत कर हत्या फिर शव के टुकड़े किए। दिल्ली में एक युवक ने अपनी प्रेमिका की सिर्फ इसलिए हत्या कर दी क्योंकि उसने शादी से इनकार कर दिया था। पुलिस के अनुसार आरोपी ने प्रेमिका से मिले इनकार के बाद पहले उसकी गला रेत कर हत्या की और बाद में उसके शव के कई टुकड़े कर उसे नहर में फेंकने की भी कोशिश की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान मोहम्मद अयूब के रूप में हुई है। उन्नाव पीड़िता के वकील के पैरोकार पर हमला मामला दर्ज। जिले के मांकी थाना अंतर्गत माखी गांव निवासी रेप पीड़िता और विधायक प्रकरण में विधायक के सहयोगी पर दुष्कर्म पीड़िता के चाचा की मुकदमे की पैरवी करने वाले पैरोकार ड्राइवर पर गुरुवार रात जानलेवा हमला करने का मामला दर्ज किया गया है। पैरोकार का आरोप है कि वह पीड़िता के वकील के सहायक अधिवक्ता से उन्नाव कचहरी में मिलकर गांव स्थित घर लौट रहा था तभी 5 हमलावरों ने उस पर हमला किया। ननिहाल घूमने आई नाबालिग के साथ सगे मामा ने की छेड़छाड़। उत्तर प्रदेश के एटा जिले के थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के एक गांव में नानी के घर घूमने आई नाबालिग से उसके सगे मामा के कथित छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। प्रभारी निरीक्षक अशोक कुमार ने शनिवार को बताया कि 40 वर्षीय मामा ने 14 वर्षीय भांजी के साथ छेड़छाड़ की। इतना ही नहीं भांजी के विरोध करने पर उसके साथ मारपीट भी की गई। कुमार ने बताया कि बालिका से छेड़छाड़ करने वाले मामा के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। MNS न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।